आज के समय में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके रिस्पेक्टिव मेंटर्स भी हैं जो उन्हें समय समय पर गाइड करते रहते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, पॉल ट्यूडर जोन्स नाम के एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं जो कि एक बहुत बड़ा हेज फंड मैनेज करते हैं, जबकि उनके जो मेंटर हैं वो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस सेक्टर से ही होने चाहिए थे, लेकिन वो क्रेडिट देते हैं टोनी रॉबिन्स को। टोनी रॉबिन्स जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उनको साल के 12 करोड़ रुपए देते थे। अब आप लोग सोचेंगे कि पागल है, एक मोटिवेशनल गुरु को 12 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? तो ट्रेडर है, तुम्हारा उठना बैठना 500,000 करोड़ के नीचे होता नहीं है तो इसको क्यों? तो इस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बॉस, मैं 50 करोड़ से 100 करोड़ तो चला गया, पर मेरी माइंडसेट वहां तक नहीं पहुंची थी। मेरी माइंडसेट को ग्रो करने के लिए अगर मेरे को 12 करोड़ भी देने पड़ रहे हैं साल भर के लिए, तो इट इज वर्थ की भी। इनफैक्ट अगर रे डेलियो की बात करें, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड चलाते हैं ब्रिजवाटर हाउस, उनकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं टोनी रॉबिन्स को ही क्रेडिट देते हैं, जबकि टोनी रॉबिन्स इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनेंस। तो अगर आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक कि आप जाना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक मेंटर, एक कोच ही है जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो कमेंट में आप अपने मेंटर का नाम जरूर लिखिएगा।